Now another C program based on counting all prime numbers in the given array. Means अगर suppose अगर आपके पास कोई भी integer array given है, given array के अंदर आपको just perform क्या करना है? All prime numbers. और इस केस में just perform क्या कराना है? Display operation. अगर आपको previous example याद हो, previous example में मैंने just perform क्या कराया था? Counting all prime numbers in a given array. तो previous example के according given inputs के according just prime numbers count की. इस केस में prime numbers कितने found हो रहे हैं? 2, 11 and 13. Clear? इस केस में result का editing होता just 2. लेकिन इस केस में काउंट अगर आगे इस केस में वो सारे नंबर डिस्प्ले कराना भी इस केस में सिंपली ऑपरेशंस क्या है डिस्प्ले ऑल एरे एलिमेंट लेकिन इस केस में ऑल एरे एलिमेंट डिस्प्ले ना करा के सारे एलिमेंट डिलीट करो प्लस लेकिन डिस्प्ले क्या कराना सबसे पहले डिस्प्ले करने से पहले एवरी टाइम चेक करोगे गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट अगर प्राइम है देन ओनली डिस्प्ले कराना अदरवाइज सिंपली लीव इट क्लियर इस केस में अगेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सेम ऑपरेशन मींस सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ फर्स्ट केस Providing variable declaration. तो इस केस में required values क्या होंगे array, then array का logical size manage करने के लिए required क्या हुआ n, array के element को iterate करने के लिए use क्या करेंगे index variable i. Clear? Total कितने values required इस केस में only 3. Previous केस में एक और extra value create किया था count, लेकिन इस केस में count की requirement नहीं, क्योंकि इस केस में just display कराना है. Next one, first step क्या रहेगा reading inputs for n. सेकंड केस क्या रीडिंग इनपुट्स तो इस केस में इनपुट्स कितने रीड कराना है सबसे पहले n रीड कराऊं देन इस केस में एरे के लिए n आइटम्स रीड कराऊं तो पहले n का वैल्यू रीड करने के लिए सेम लॉजिक है इस केस में कुछ भी नया नहीं n का वैल्यू एंटर किया समथिंग 5 नेक्स्ट टाइम लूप के हेल्प से 5 एलिमेंट्स रीड होंगे प्लस ये आसान किस होंगे एड्रेस ऑफ a ऑफ i स्कैनफ के थ्रू लूप 5 टाइम्स चलेगा तो 5 एलिमेंट्स रीड होने बाद स्टार्टिंग एलिमेंट्स में जस्ट आसान हो जाएंगे नेक्स्ट वन इसके जस्ट वन नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन क्या है अप्लाइंग लॉजिक्स तो इसके इसमें रिक्वायर्ड लॉजिक्स क्या है जस्ट सिंपली एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कराना मींस प्रिंट प्राइम नंबर्स तो इसके इसमें जस्ट मैं अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करूंगा प्रिंट प्राइम प्लस इसमें पास क्या करो वो एरे पास करो जैसे एरे के अंदर अवेलेबल प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले कराना प्लस साइज ऑफ एरे दिस इज द लॉजिक के अलावा आपको कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं क्लोज दिस नेक्स्ट बस आपको इस केस में यूजर डिफाइंड लॉजिक्स प्लेस करने के लिए क्रिएट क्या करोगे सम फंक्शंस फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन से कोई भी वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं हो रहा इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे या वॉइड फंक्शन नेम है प्रिंट प्राइम प्रिंट प्राइम के केस में सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा हाउ टू डिस्प्लेइंग ऑल एरे एलिमेंट्स प्लस इस केस में आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है इंटीजर एरे एंड साइज ऑफ एरे एन ना अगर आपको बोला जाए एरे के ऑल एलिमेंट डिस्प्ले कराना है ऑल एलिमेंट डिस्प्ले कराने का लॉजिक क्या रहता है सिंपली यूजिंग लूप आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस देन डायरेक्टली लूप के अंदर आप यूज क्या कर सकते हो प्रिंट एफ परसेंट डी ए ऑफ आई लेकिन इस केस में अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट से प्रिंट एफ पुट करोगे तो इस केस में सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे लेकिन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको सारे एलिमेंट डिस्प्ले कराना है ओनली प्राइम नंबर्स ओनली प्राइम नंबर तो किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले कराने से पहले जस्ट चेकआउट करोगे इज इट प्राइम और नॉट तो प्राइम नंबर टेस्ट करेंगे जस्ट इस केस में प्रोवाइड क्या करें इफ मीन्स यहाँ प्रिंट ऑपरेशन कैसे कंडीशनल कंडीशन के बेस पर प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इफ के अंदर कॉल करेंगे इज प्राइम मीन्स इफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई इज प्राइम नंबर देन ओनली प्रिंट ए ऑफ आई मीन्स यहाँ प्रिंट ऑपरेशन कैसे जस्ट कंडीशनल तो इसके इसमें जस्ट ये जो प्राइम फंक्शन जब कॉल हो तो टेस्ट क्या करेगा गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट अगर गिवन नंबर प्राइम है देन कंडीशन ट्रू टू है देन उसके इसमें डिस्प्ले किया जाएगा करंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई अदरवाइज ये लूप कंटिन्यू रहेगा प्लस इसके इसमें वन मोर ऑपरेशन प्रोवाइड किसमें कराना इज प्राइम क्योंकि इज प्राइम कोई एग्जिस्टिंग फंक्शन नहीं जस्ट एज यू आर डिफाइंड फंक्शन जस्ट मैंने लॉजिक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया इन डिफरेंट डिफरेंट यू आर डिफाइंड फंक्शन तो नेक्स्ट फंक्शन क्या इंप्लीमेंट करें जस्ट चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट इसके लॉजिक ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे इन केस ऑफ काउंट ऑपरेशन मीन्स अगर आपको चेक करना है गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं तो इस नंबर को डिवाइड किससे करेंगे जनरली 1 2 3 4 अप टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 कोई भी नंबर इससे बड़े नंबर से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं या तो नंबर डिवाइड किस नंबर इटसेल्फ तो प्राइम नंबर कौन से नंबर है जो नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ इसके अलावा अगर किसी भी अदर नंबर से डिवाइड होते तो अदर रेंज क्या हो जाए दैट वन अगर इस रेंज में से किसी भी थर्ड नंबर से डिवाइड होते हैं तो नंबर को आप बोलोगे एज अ प्राइम नंबर तो इसके लिए जस्ट लॉजिक क्या होंगे अगेन कॉल क्या करना है इज प्राइम क्रिएट क्या करना है इज प्राइम से रिटर्न क्या कराओ आइदर ट्रू
और फॉल्स, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे जस्ट इंटीजर, क्योंकि ट्रू के केस में रिटर्न क्या कराएंगे वन, फॉल्स के केस में जस्ट जीरो। फंक्शन में इनपुट क्या पास हो रहा है, जस्ट एलिमेंट ऑफ एरे, और एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के, जस्ट इंटीजर। नेक्स्ट वन अगेन, इस सीरीज के वैल्यूज को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, लूप। लूप के रिस्पेक्ट में लूप का इनिशियलाइजेशन और स्टार्टिंग किस प्लेस से स्टार्ट करोगे, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू इन द सीरीज, टू। वन से टेस्ट नहीं करना, क्योंकि वन से सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं। प्लस कंडीशन क्या है, कब तक डिवाइड करना, जब तक आई का वैल्यू एन बाई टू से या तो छोटा या इक्वल है, नंबर डिवाइड बाई टू। देन एवरी टाइम सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, यूज क्या करोगे, जस्ट आई प्लस प्लस। तो एवरी टाइम जो भी नंबर है, इस नंबर को डिवाइड किसके, सारे रेंज मेमोरी से वैल्यू रिप्रेजेंट किस हो रहे हैं, आई से। तो एवरी टाइम नंबर को डिवाइड किससे कराएंगे, आई से। अगर आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो मिलता था, इसका मतलब क्या, नंबर इज डिविजिबल बाई करेंट वैल्यू ऑफ आई, और करेंट वैल्यू मीन्स आउट ऑफ देम। अगर किसी वैल्यू से आई के किसी वैल्यू से डिवाइड होता है, नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। फॉर लूप के अंदर जस्ट आपको इफ कंडीशन अप्लाई करना है, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई आई इक्वल इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो से डिवाइड हो रहा है, इस केस में रिमाइंडर क्या मिला, जस्ट जीरो। देन इस केस में इमीडिएटली आपके लिए नंबर इज नॉट प्राइम, देयरफॉर वी आर डायरेक्टली रिटर्निंग फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो। अगर सपोज दैट ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हुआ है, देन इस केस में कंट्रोल कहाँ है, आउटसाइड लूप, क्योंकि जैसे इस केस में आई का वैल्यू नंबर डिवाइड बाई टू को एक्सीड करेगा, उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कहाँ है, आउटसाइड लूप। अगर कंट्रोल लूप से बाहर आया, इसका मतलब क्या है, नंबर आई के किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हुआ, किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हुआ, देन नंबर 100% के साथ प्राइम, रिटर्न क्या कराएंगे, जस्ट वन। दिस इज द लॉजिक्स ऑफ इच प्राइम फंक्शंस, क्लियर। फाइनली मेन फंक्शन के अंदर किसी भी इनडिफाइंड फंक्शन को यूज करने से पहले डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करना कंपलसरी है, या तो फिर फंक्शन का होना चाहिए टॉप वॉइड प्रिंट प्राइम। प्रिंट प्राइम फंक्शन के इसमें आर्गुमेंट टाइप्स क्या हैं, इंट स्टार एंड इंटीजर। सेकंड फंक्शन क्या है इसके, इसमें इज प्राइम, इज प्राइम के लिए भी डिक्लेरेशन प्रोवाइड करें इंटीजर इज प्राइम। मीन्स देखा जाए तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट कैसा, सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल, ओनली डिफरेंस क्या है, प्रीवियस केस में जस्ट स्पेस पर काउंट कराया था सी प्लस प्लस, इस केस में क्या ओनली प्रिंट है, बाकी सारे लॉजिक कैसे एग्जैक्टली सेम इज प्रीवियस एग्जांपल।